जस्ट इमेजिन कोई रीस्टार्ट बटन होता। दोस्तों साल 2023 देओल परिवार के लिए काफी लकी साबित रहा। इस साल सनी पाजी ने बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 से सॉलिड कमबैक किया। वहीं धर्म जी के एक्टिंग की तारीफ भी रोकी और रानी की प्रेम कहानी में खूब हुई। साथ ही साथ दोस्तों इस वक्त एनिमल के टीजर में बॉबी देओल ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन फाइनली अब सनी पाजी के छोटे बेटे यानी कि राजवीर देओल ने भी बॉलीवुड में कर ली है एंट्री अपनी नई फिल्म दोनों के साथ में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजवीर देओल की फिल्म दोनों के बजट और फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि देओल परिवार में आपका फेवरेट कौन है। तो दोस्तों दोनों एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है सूरज बड़जात्या के सुपुत्र अविनाश बड़जात्या ने। इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं राजवीर देओल जो कि स्टार सनी पाजी के छोटे बेटे हैं। साथ ही साथ इस फिल्म से नई हीरोइन की एंट्री हुई है जिनका नाम है पलोमा डिल्लो। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर दोनों फिल्म की मार्केटिंग अच्छी खासी की गई थी। फिल्म का ट्रेलर भी डिसेंट था और फिल्म का ट्रेलर देखकर कहीं ना कहीं लगा था कि फिल्म एक अच्छी खासी एंटरटेनिंग फिल्म होगी। अब दोस्तों फिल्म में सनी देओल के बेटे हैं तो सबको लगा था कि भैया ये फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करने के लिए ज्यादा स्क्रीन की जरूरत होती है, यानी कि फिल्म ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होगी तो फिल्म की कमाई भी ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी यहां पर दोनों फिल्म को रिलीज किया गया है सिर्फ 273 स्क्रीन में। जी हां दोस्तों बहुत शॉकिंग बात है, लेकिन यह फिल्म ऑल इंडिया में सिर्फ 273 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। अब बात करें फिल्म के बजट और कलेक्शन की तो दोस्तों दोनों फिल्म का जो बजट है वो काफी कम है। फिल्म का बजट सिर्फ 8 करोड़ रुपए है इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट। पर अच्छी बात यह है कि फिल्म का बजट जहां 8 करोड़ रुपए है लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर फिल्म को रिलीज करने से पहले ही अपना बजट ऑलरेडी रिकवर कर चुके थे। वो किस तरह मैं आपको बताता हूं। यहां पर दोस्तों दोनों फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो बिके हैं 3 करोड़ में। वहीं इस फिल्म के जो सेटेलाइट राइट्स है वो 4 करोड़ 50 लाख रुपये में बिके हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के म्यूजिक राइट्स जी म्यूजिक ने 1 करोड़ 30 लाख में खरीदे हैं। यानी कि दोस्तों 8 करोड़ के बजट में बनी दोनों फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देने से पहले ही अपने डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेचकर 8 करोड़ 80 लाख रुपए की रिकवरी कर ली थी। तो फिल्म के मेकर्स तो फिल्म को रिलीज करने से पहले ही 80 लाख रुपए का फायदा कमा चुके हैं। लेकिन बात करें कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन कितना आ रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म ऑल इंडिया में सिर्फ 250 स्क्रीन पर रिलीज हुई है जिसके चलते ही फिल्म का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो काफी कम है। जी हाँ दोस्तों फिल्म पहले दिन ऑल इंडिया कलेक्शन लगभग 50 लाख रुपए की रेंज में कर रही है जो कि एक तरह से डिसेंट कमाई है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया फिल्म के पास स्क्रीन्स कम है तो कलेक्शन भी कम आएगा। अगर फिल्म को 2000-3000 स्क्रीन पर रिलीज करते तो शायद ये फिल्म करोड़ों में कमाई करती। लेकिन फिर भी अगर 50 लाख रुपए की कमाई पहले दिन आ रही है और फिल्म को लोग अगर पसंद करते हैं तो आने वाले दिनों में फिल्म की स्क्रीन्स और बढ़ती जाएगी और फिल्म का कलेक्शन भी और बढ़ता जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपने सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की फिल्म दोनों देखी तो ये फिल्म आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।